संतुलन नहीं बना पाए, इसके कारण एक आसान से कैच ड्रॉप होता हुआ। इस मौके का क्या कुछ खास फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अर्नी को? क्योंकि अभी तक 3 रन बना चुके हैं अपने बल्ले से 15 बजे और एक बार झड़ गया लोगों के ऊपर से ऊंचा लंबा छक्का। यहाँ पर इस गो और पिच गेंद डालेंगे तो यही हाल होगा। गेंद के पीछे सिर्फ उन्होंने जोर लगाया, पैरों पे अपने खड़े ही रहे, पैर बिल्कुल भी नहीं चले क्योंकि गेंद उनके रेंज थी, उनकी जद में थी और गेंद तो दूसरा छक्का आता हुआ इस वक्त अरविंद के बल्ले से स्कोर उछलता कूदता हुआ 21 पर पहुंच गया बगैर किसी विकेट के नुकसान के। हर्षिक बाबू से चले गए गेंद लेकर के इस बार फिर से संपर्क हुआ है, क्या दूरी मिलेगी? एम्पायर का इशारा आना, चार रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर का। बैक टू बैक दो गेंदों में दो बाउंड्री आते हुए इस वक्त रुकने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज को खेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, गुल्ले करके टप्पा खाते हुए किसी स्टंप पर अटैक किए होती है। गेंद एक बार फिर से उछाला, गेंद निकाला है खुद कैस्टर कवर के क्षेत्र में चार रनों के लिए। एक दो तीन चार टप्पे के बाद बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए अरविंद के बल्ले से निकलता हुआ चौका। मुश्किल होगा और महंगा ओवर जाता हुआ तीसरा ओवर खेला जा रहा है। गेंदबाजी का अगर उनका लिखा जोखा देखा जाए पिछले मैच से लेकर के अभी तक तो कोई विकेट हासिल उन्होंने नहीं किया, दो चार ओवर अभी तक लगभग कर चुके हैं। कनेक्ट हो जाए और इस मुकाबले का आनंद ले। हर्ष जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आया है और टीम का पहला ओवर थोड़ी सी मिस फील्ड, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। चौके के साथ खाता खुलता हुआ अरविंद का। पहली गेंद खेलने का अरविंद को उन्होंने चौका लगा करके अपना खाता खोल लिया और अपनी टीम की रन संख्या को 5 पहुंचा दिया है बगैर किसी विकेट करके। सोम कुमार भाई जी ने कल यहाँ का लाइव नहीं चला था, आज और फाइनल दो मुकाबले आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इस ग्राउंड के। बार संपर्क हुआ है, क्या दूरी मिलेगी? जी हाँ, गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अरविंद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का, पहला छक्का आता हुआ इस वक्त अरविंद के बल्ले से। चंदन श्रीवास्तव भाई क्या हाल भाई? बढ़िया, आप सभी फटाफट हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और इस मुकाबले का आनंद ले। जब तक दौड़ कर फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका एक रन आसान से पूरा। मौके का क्या कुछ खास फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अर्नी को? क्योंकि अभी तक 3 रन बना चुके अपने बल्ले से 15 बजे और एक बार झड़ गया लोगों के ऊपर से ऊंचा लंबा छक्का। यहाँ पर इस गो और पिच गेंद डालेंगे तो यही दो मुकाबले आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इस ग्राउंड के। बार संपर्क हुआ है, क्या दूरी मिलेगी?